और एक सच घटना आपको हम बताने के लिए, क्योंकि हमारा ये जो सत्संग होता है ये अनुभव की बात बताने का, अपने जीवन में जो उतारे हैं, जो कुछ गुरुदेव की वाणी को अपने जीवन में उतार के अनुभव में लाए हैं उसी को ही गुरु बंधुओं के साथ भाव विनिमय करते हैं। चिदानंदेन कृष्णेन प्रोक्ता सुमुखतोर्जुन वेदत त्रिपरानंदा तत्वार्थ ज्ञान संयुता। चिदानंद कृष्ण ने भगवद गीता में बताए हैं, अभी वही कृष्ण, वो त्रेता युग का कृष्ण, द्वापर युग का कृष्ण, त्रेता युग का राम, द्वापर युग का कृष्ण, अभी कलि युग में चिदानंदेन कृष्णेन, चिदानंद कृष्ण द्वापर युग का, अभी वही कृष्ण चिदानंद के रूप में कलि युग में वो भी करके दिखा दिए। अनन्य चिंतयंतो मांग ये जना परिपासते तेषांग नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। प्रोफेसर चित्तरंजन महांति अध्यापना छोड़ के रिजाइन करके गुरुदेव की सेवा में लग गए। नौकरी करना है तो ये छोटी सी नौकरी, अध्यापना नौकरी छोड़ के राजाधिराज के पास नौकरी करना है, इस भाव से वो जो चले गए, उनका परिवार का दायित्व तो पूरा संभाले चिदानंद स्वामी जी। बोझा अपने ऊपर, परिवार का, भक्त का परिवार का बोझा ले लिए और दिखा दिए कि नवम अध्याय 22 श्लोक में जो लिखा हुआ है योग क्षेम वहाम्य हम, LIC का जो है ना योग क्षेम वहाम्य हम का चित्र, आई टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माय स्टॉन्च डिवोटीज दोज हु आर 1 पॉइंटेड अनन्य भक्त का करके दिखा दी। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, हम भगवान के ऊपर छोड़ने से वो ले लेते हैं। हम छोड़ते नहीं क्यों, इतना मोह, इतना आत्माभिमान है हमारे अंदर, पिता समझते हैं हम संभालते हैं हमारे परिवार को, तो भगवान आराम करते हैं, संभालो बेटा हमको थोड़ा आनंद सहन के लिए मौका दो। तो भगवान आनंद सहन में आराम करते हैं, जो उनके ऊपर, उनको तंग नहीं करते हैं, उनके ऊपर छोड़ते नहीं, भगवान को आराम देते हैं। और जो छोड़ देता है, अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचता है, परोपकारार्थ निजं शरीरं, व्यासदेव अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। पर को दोष दे, दुख देना पाप है, दूसरों को सेवा करके आनंद दिलाना ये है पुण्य है, ये 18 पुराणों का सार है, व्यासदेव बोले हैं। तो ये भक्ति योग के ऊपर हम जब आलोचना चर्चा करते हैं, इसमें ये सब आ जाता है। कितने कृपालु हैं भगवान, अपार करुणा सिंधु भगवान भक्त वत्सल, सबको हम प्रार्थना करते हैं ये भक्ति योग के ऊपर आलोचना चर्चा सत्संग करते वक्त आप अपने जीवन में सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त आपको जो मिला है प्रभु की कृपा का अनुभव करने का, उसको थोड़ा 2 मिनट याद करो। जीवन में कितने समस्याएं आए हुए हैं, सब हट गए हैं प्रभु कृपा से। आप भी प्रार्थना किए हो, भगवान भी सुने हैं आपकी प्रार्थना को और आपको आनंद। सबसे देखिए, हम विचार करेंगे, जिनका आँखी नहीं है
आँखें, उनके साथ अपने को तुलना करो, हम देखते हैं वो देख नहीं पाते हैं, कितनी ये कृपा है। पैर जिसका नहीं है, हम परिक्रमा करते हैं, वो नहीं कर पाता है। और ये जो हम आज जो यहाँ बैठ के सत्संग करते हैं, भगवान के बारे में सोचते हैं, ये भी इनकी कृपा है। परम कृपा नहीं होने से उनको कोई याद नहीं कर सकेगा। Nobody can remember God unless he approves। भगवान की अप्रूवल नहीं होने से आप भगवान को याद नहीं कर पाओगे। तो ऐसे सबसे बड़ी प्रार्थना क्या है, श्रेष्ठ प्रार्थना क्या है, बता सकोगे? यही है, Thy will be done, O Lord, I want nothing। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, हमको कुछ नहीं चाहिए। कर सकोगे? इसी अवस्था में आप जब पहुंच जाओगे, सिर झुकाते वक्त ये जब निकलेगा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, हमको कुछ नहीं चाहिए, माने हमको पता नहीं है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। एक लड़का नहीं होता था, पिता माता बहुत प्रार्थना किए, भगवान बोले अरे तुम ऐसे आशीर्वाद प्राप्त हो, इससे भगवत प्राप्ति के लिए साधना कर सकोगे, ये है। नहीं नहीं हमको लड़का चाहिए, लड़का चाहिए। अरे लड़का बंधन का कारण होगा तुम्हारा, नहीं तब भी चाहिए। तो एक लड़का दे दिए जो कि अंधा है, और ये है लड़का है, मगर वो एक आशीर्वाद नहीं अभिशाप के रूप में आया है। वी शुड नॉट थिंक एनीथिंग अबाउट अस। गुरुदेव ने लिखे हैं शिवानंद महाराज की पत्र में, डोंट वरी टू मच अबाउट योर फ्यूचर, द लॉर्ड नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। इसको पढ़ के तब से हम निश्चिंत हैं। जब से गुरुदेव की लाइन ये सेवक के पास आया, 1958 टू 63 शिवानंद स्वामी जी का इतना पत्र है हमारे पास, यहाँ भी अभी लाए हैं। डोंट वरी टू मच अबाउट योर फ्यूचर, द लॉर्ड नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। भगवान जानते हैं तुम्हारे लिए क्या अच्छाई है।